तो जो केस रह गया जर्मेनियम का ही उठा लिया मैंने। सुबह मैंने बताया था कि विल कंटिन्यू विद, एक केस तो अल्सर का था, टू केसेस सेम पैथोलॉजीज ऑफ लंबो सैक्रल मैक्सोपैपिलरी एपेंडोमा। दैट केस वाज रेफर्ड एंड कॉन्टिन्यूली फॉलो अप्ड बाय डॉक्टर विशाल फ्रॉम जलंधर, एंड बिकॉज आई वॉज नोइंग के दिस केस इज इम्प्रूविंग वेल, डूइंग वेल, तो मैंने अभी आने से पहले उसको बोला कि उसके वीडियो मंगवा के दे मेरे को। तो दैट पर्सन इज वर्किंग प्रेजेंटली एट दुबई, एंड व्हेन ही हैड केम विद हिम ही वाज ऑन पार्शियल यू कैन से वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ लेग्स ड्यू टू दैट ग्रोथ इन हर बैक, इन हिज बैक, वाज नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली, ड्रैगिंग द लेग्स विद द पेन्स। वी विल गो थ्रू द सिम्टम्स। बेसिकली व्हाट्स द फन ऑफ doing all these cases in front of you is not showing you what we are doing. इसमें कोई शक नहीं है हमारी पैथी बहुत गहरी है, इसमें कोई शक नहीं है, सीनियर फिजिशियन सब लोग अच्छे केसेस निकाल रहे हैं, बस बट ग्रेजुअली हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो अप्रोच हमने सुबह पकड़ा है, जो अप्रोच हमने बात किया है, उसी अप्रोच के ऊपर हम कैसे उसको रेसिप्रोक करते हैं, पैथोलॉजिकली उल्टाते हैं केस को। तो दोनों केसेस में मेरी कोशिश रही है कि मैं उसको ऐसे ही उल्टा दूं। सो लेट अस मूव विद केस ऑफ लंबोसैक्रल मैक्सोपैपिलरी एपेंडियोमा नेक्स्ट। जब मैंने पहले केस को ठीक किया था, जो इससे पहले का केस है, जो बाद में आने वाला है, जो इससे पहले देखा था मैंने, तो मेरे को याद है अच्छा ये तो वो थी, उसको भी ये था, वो तो ठीक होगी, ये भी हो जाएगा। तो मेरे को ये पैथोलॉजी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये इतनी मालूम नहीं थी, था कि ब्रेन में ग्रोथ है, था कि ट्यूमर है, था कि उसका कंप्रेशन है। सो मैक्सोपैपिलरी एपेंडोमा पैथोफिजियोलॉजी, ये पहले मेरे को भी जानकारी नहीं थी, जब केस मैंने दूसरा लिया तो मैंने इसको फिर अंडरस्टैंड किया। इज अ स्लो ग्रोइंग एपेंडोमा अ टाइप ऑफ ग्लायोमा। This science says, pathology says, this is a type of glioma. Glioma, अभी Dr. Kamal ने बात किया, we have two tissues in our brain, one is astrocytes, one is glial cells. Basically, we generally got gliomas, brain tumors as gliomas. You have seen the cases, I have gone through many cases, glioma, low grade, 1 grade, 2 grade, 3 grade, high grade. Recently, my cousin brother had also suffered from same disease and we could not able to give him life. High grade glioma is equal to cancer of brain. High grade jab lag gaya to cancerous tumor brain mein. So cancer of brain, it's very difficult to handle. So glioma means connective tissue. Astrocytoma mean, astrocyte mean basic nervous tissue. And ye to kuch aur hai, ependymoma. तो लेकिन जो हमारी साइंस है, हमारे सामने पैथोलॉजी है, वो ये बता रही है कि ये ग्लायोमा है, विच इज अ ट्यूमर दैट अराइजेस फ्रॉम द सपोर्टिव टिश्यू ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ग्लायल सेल इज बेसिकली अ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ योर ब्रेन, अ सपोर्टिव टिश्यू। एस्ट्रोसाइट्स आर बेसिक न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल्स आर सीमेंटिंग टिश्यू दैट इज सपोर्टिंग द एस्ट्रोसाइट्स। They tend to occur in lower part of the spinal column and are usually considered to be benign, low grade or grade 1. It's not a high grade. Hota hai dobara hota hai. Dono kaise reoccurrence ke hai basically. Dono hi reoccurrence ke hai. The age of diagnosis ranges from 6 to 82 years. Symptoms of an ependymoma are related to the location and size of the tumor and may include nausea, vomiting, headache, pain, numbness, bowel and bladder symptoms. And various other signs and symptoms. The cause of ependymoma is unknown. Like other pathologies we have gone through, every cause is everywhere concealed or unknown, because in homeopathy cause is unknown. No, for us it's not unknown, because all the causes are residing in which part? Spiritual part, dynamic part, nature. Idhar padhe
तो वी हैड ओनली मैनिफेस्टेशन ऑन द फिजिकल पार्ट, तो फिर उधर से काम कहां मिलेगा, किसी का भी नहीं है। सिरोसिस ऑफ लिवर में अक्सर हम देखते पूछते लोगों से, जहां हम तो नहीं पूछते, हमें तो मालिक ने समझ दे दी है ऐसी, एलोपैथिक साइंस पूछती है, क्वेश्चन करती है कि आप दारू पीते थे एवरी टाइम, अल्कोहलिक लिवर जहां फैटी लिवर के लिए फर्स्ट क्वेश्चन इज आप दारू पीते थे। तो बहुत जो रिलीजियस पर्सन है वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, आप दारू पीते थे, दे हैव ओनली वन रीजन, दिस इज द बेसिक फ्लॉ दे हैड, दे हैव नो आंसर फॉर दैट। वेरी अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन इन लास्ट डेज फ्रॉम वन ऑफ माई पेशेंट, डॉक्टर गगन इज नॉट हेयर, डॉक्टर अ नॉन फिजिशियन इन अवर लुधियाना सिटी, हार्ट सर्जन, दोज अवर कोलीग्स एंड फ्रेंड्स आर फ्रॉम लुधियाना, माइट बी दे आर नोइंग दिस थिंग, he himself suffered from second time coronary artery disease. During surgery he got the pain and mere ko jo hamare ludhiana bhaiya hain hamare camp organize karte, they have told me one of their cousin is working in that hospital, ke pura hospital bhag raha tha ki hamare jo mukhi doctor agar unko ye ho gaya to hamara kya hoga. This is, मैं कहूंगा ये वेदना है उनकी कि वन हर्ट सर्जन इज नॉट नोइंग व्हाई आई एम गेटिंग दिस अगेन एंड अगेन, और यू आर ब्लेस्ड टू नो, आपको मालूम है कि क्यों हो रहा है, कहां पे कारण है, ये डायनामिसिटी है, ये डायनामिक पार्ट है, ये स्पिरिचुअल पार्ट है विच दे आर नॉट नोइंग। और रिसेंटली वी हैव गोन थ्रू अनदर मोर स्टडीज, डॉक्टर अरविंदर हैड टोल्ड मी एंड आई ऑल्सो गॉट द प्रिंट आउट ऑफ दैट स्टडी, cholesterols had no connection with heart diseases. But aapne these statins, so called anticoagulant medicines, have no role in coronary arteries. Hammer is already saying ki aisa nahi hai, coronary artery disease aise hoti nahi hai. So we got the comprehension, but who is there to believe you? Jab bhi hota hai pain तो भागते हैं हॉस्पिटल में और फटाफट ठोकते हैं इंजेक्शन, कौन निकलता है वहां से उस पेन से, जब दिमाग में क्या डाला हुआ है, सदियों का फियर डाला हुआ है कि अगर ऐसी पेन होती है बाजू में जाती है हार्ट अटैक और कुछ नहीं, मर जाएगा, और भागता है और डर से मर रहा है, बिना ज्ञान से और डर से मर रहा है जहां पे अंधेरा है। इसलिए नहीं बताया कि वी हैव सम सेपरेट थिंग, इसलिए कि वी आर ब्लेस्ड फॉर कि वी हैव अ सच ए साइंस, वी आर नोइंग अवर साइंस इज हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग, एटलीस्ट ठीक नहीं कर सकते, जानते तो है क्यों हो रहा है, तो जानते हैं तो ठीक भी कर लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस आता है, जानते हैं तो ठीक भी कर लेंगे। तो अभी ये आ गया रिसर्च में, अमेरिकन रिसर्च है ये कि स्टैटिंस हैव नो रिलेशन विद हार्ट डिजीजेस, तो अब कहाँ जाए दुनिया, जिन लोगों ने इतने सालों से खाए वो क्या क्या कहें, और डॉक्टर भी डाउट में और सकते में है, क्योंकि ऑल द डॉक्टर्स आर वर्किंग ऑन द डिक्टेशन ऑफ लैब्स, जो बायोकेमिस्ट्री बोल रही है उनको उसी पे काम कर रहे हैं वो, तो अब कहाँ जाए, क्या सोचें। हैनीमैन ही वाइज थे इतने, हैमर ही वाइज है इतना, जो सोच रहा है कि कन्फ्लिक्ट एंड डिजीज इज लाइंग समवेयर एल्स एंड वी आर सर्चिंग समवेयर एल्स, हम पदार्थ में ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहो, नहीं मिलने वाली, अब तक तो मिली नहीं, आगे भी नहीं मिलेगी, जैसे ये नहीं मिला अभी तक, काज इज अननोन, दे आर नोन टू रिकर लोकली, मोर कॉमनली they are known to reoccur locally, every pathology has to reoccur, every tumor has to reoccur, they are saying it will not reoccur, but we know it has to reoccur, koi bhi as jala do, buna do, saad do, kaat do, it has to come back, until or unless your system become so weak to struggle back or react back, until or unless your system become so helpless, sink kar gaya tab nahi aayega, tab to jaan jaane wali hai, लेकिन जब तक जाना ये निकालेगा बाहर उसको, बार बार, एक बार नहीं, तीन बार, चार चार बार ऑपरेट हुए मैंने केस देखे ब्रेन ट्यूमर के, और आखिर जिंदगी चले जाती है। तो हाई ग्रेड ग्लायोमा में इट इज नॉट सजेस्टेबल टू गिव अ चांस ऑफ ऑपरेशन, अदरवाइज लाइफ बिकम मोर माइजरेबल, मोर पेनफुल एंड मोर सफरिंग। ये जो काट के निकालेंगे चार ग्रेड का कैंसर को ना, तो 15 दिन नहीं बीतेंगे, फट से बढ़ेगा पीछे से फिर, और कोई ना कोई ऑर्गन उम्र से पहले जाएगा। तो
Treatment may vary depending upon the location and grade. Grade means 1 grade, 2 grade, 3 grade. Generally, ependymoma is 1 grade. Though it is mitotic tumor, you can say, it's not benign, it's a mitotic tumor, 1 grade, slowly growing. And whether the tumor has spread to the spine, by typically include aggressive surgery, management may also include chemotherapy and radiotherapy, jo bhi unka allopathic treatment hai. Next video. It is understanding from Hammer, Dr. Hammer. Thanks to that great soul again after Henneman, who had stamped the work done by Dr. Henneman strongly on the base of science, ke haan, you had said right. He had not said, but we understood that Henneman had written each and everything rightly. That is based on ke kush psychology hai, then pathology hai. Toh tab toh 250-300 saal pehle kush bhi nahi tha. Itne wise insaan. तब बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा है भाई. तो कोरोइड प्लेक्सिस वी नो दिस टू लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल ऐसा होता है, सेरेब्रल एक्विडक्ट ऐसे होती है, फोर्थ वेंट्रिकल ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन का. नेक्स्ट, दिस इज मैटर फ्रॉम डॉक्टर हैमर. द कोरोइड प्लेक्सिस कंसिस्ट मेनली ऑफ एपेंडाइमल सेल्स, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड drain from the lateral ventricles into the third ventricle, further via cerebral aqueduct into the fourth ventricle. We know this. From there, the fluid escapes through lateral openings of the fourth ventricle into the subarachnoid space. The ependymal cells of the choroid plexus form a thin layer, ependyma, ependyma se ependyoma, that covers the inner wall of the ventricles and surrounds the core of the plexus. तो मेरे को समझ में आया कि यहां का था ये. द एपेंडाइमा एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट फिल्टर नॉन एज ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स बैरियर. द ब्लड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर इज एडिशन टू द ब्लड ब्रेन बैरियर, अ डायनामिक इंटरफेस टू मेंटेन अ स्टेबल एनवायरनमेंट ऑफ ब्रेन फॉर ब्रेन सेल्स न्यूरॉन्स. द टू बैरियर रिस्ट्रिक्ट द पैसेज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स गोइंग टू द हायर सेंटर्स. कभी भी ब्रेन में मोटे मोटे सेल्स नहीं जाते, अगर गए तो इन्फ्लामेशन या कुछ गड़बड़ है तब जाएंगे, तभी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेके चेक करते हैं, उसमें से इन्फ्लामेटरी सेल तो नहीं है, इसमें लिम्फोसाइट तो नहीं है इसमें, इसलिए चेक करते हैं. यू शुड बी वेरी वाइज, वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल दीज पैथोलॉजीज ऑल्सो, कि क्यों कर रहे हैं ये स्पाइन में टेस्ट बार बार. बैक्टीरिया तो नहीं है इसमें, बैक्टीरिया इधर नहीं जाता, अगर गया तो गड़बड़ है, अगर जाता तो बैक्टीरिया सिर्फ मेनिंजेस में जाता है, इंटरनल ब्रेन में कभी नहीं जाता. अगर इंटरनल ब्रेन डैमेज होगा, इट विल बी ओनली विद वायरसेस, न्यूरोएक्टोडर्म इज ओनली अफेक्टेड बाय वायरसेस, नॉट विद बैक्टीरिया. सो फिर आता है वायरल इंसेफलाइटिस. इंसेफलाइटिस मीन इन्फ्लामेशन बाय वायरस. अगर ब्रेन का इन्फ्लामेशन हुआ भी तो वायरस के साथ होगा और इनफ्लेम स्टेट में जाएगा ब्रेन, और उसके बाद ग्लायोसिस में जाएगा, उसके बाद फंक्शन लॉस में जाएगा, अगर जिन बच्चों का जाता है ऐसे. नेक्स्ट, बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिहाइंड एपेंडाइमा अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन एज अ वाटर वर्क ऑफ द ब्रेन. द बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट लिंक टू द कोरोइड प्लेक्सस, द ब्रेन इज नॉट मॉइस्ट इनफ. ब्रेन में पानी नहीं है, ब्रेन गीला नहीं है, राइट. द ब्रेन इज ड्राई, एक्सपीरियंस्ड फिगरेटिवली व्हेन वन हैज डिफिकल्ट थिंकिंग, द थॉट डू नॉट फ्लो स्मूथली और मेमोराइजिंग, द डिस्ट्रेसिंग मेंटल ब्लैकआउट, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, सी सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट और लर्निंग डिफिकल्टीज शुड कॉज सच अ कॉन्फ्लिक्ट. तो ऐसा कुछ है, ब्रेन ड्राई हो गया, ब्रेन ड्राई हो गया. अब इसको मैं अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बताऊं, जब पानी इकट्ठा होता है तो क्या होता है बताइए. असाइटस फ्लूइड घुटनों में, क्या बोलते उसको, गाउट, गाउट स्वेलिंग ऑफ योर लोअर लिम्स, एनी स्वेलिंग एट योर बॉडी, व्हाई इट टेक प्लेस, वाटर रिटेंशन प्रोग्राम ऑन हो गया बॉडी का, कौन सी रिले, केसीटी, किडनी कलेक्टिंग टब्यूल्स, क्यों किया,
Your system is in emergency. Your system, when your system is in emergency, when your any of your organ is in emergency, liver is in emergency, stomach is in emergency, abdomen is in emergency, kidneys are in emergency, guttana is in emergency, feet are in emergency, that organ will got swollen with the second conflict affecting on your kidneys and related to that first conflict. This is hemorrhage. तो swelling हो गया part का, इसलिए के उसको support करना है. Swelling क्यों हुआ? To bear the pain, right? To bear the pain. अब पेट पे लगा के cut लगेगा उससे पहले body cut लगेगा, operation होगा. इससे पहले के मैं इसको सहन कर लूँ, we should have some water bag there, so that I can able to absorb that shock of pain, right? तो इसलिए हमारी body ने fluid इकट्ठा किया, किसी भी organ ने. आँख मोटी हो गई तो भी pathology in relation to KCT. Next, जब हमने ये उल्टा state हो गया, यहाँ पे brain में पानी कम पड़ गया, brain खुश्क हो गया, उल्टा हो गया कि brain में पानी नहीं है. Next, आगे बात समझ में आती है आपको. देखिए, no other words we can say, body has to produce more fluid in the injured area is always when that part feel insecure, again insecure. ठीक है, कम पड़ गया,